आजकल बाबा लोग बड़े हॉट हो रहे हैं। हॉट मतलब समझे आप, गर्मी सवार है। अब गर्मी किस चीज़ की है? आपकी आस्था जो उनके पांव पे गिरी हुई है, आपकी आस्था जिसके साथ वो खिलवाड़ करते हैं, उसी की तो गर्मी है। और आपकी आस्था केवल आस्था नहीं रहती है, आपकी आस्था लाती है उनके लिए पैसा। और ये पैसा ही सबसे बड़ा खेल है। और ये खेल कैसे चलता है? आपने चढ़ावा चढ़ाया, चढ़ावा उन पे पहुंचा, उस चढ़ावे का हुआ क्या? उनकी अपनी लग्जरी पे जो काम हुआ वो तो हुआ, उनकी अपनी वासनाएं जो पूरी हुई। वासना केवल सेक्स नहीं होती है, उनकी वासना एसी के रूम में बैठने की है, उनकी वासना लग्जरी कार में चलने की है, उनकी वासना मोटी मोटी चेन पहनने की है। कहाँ गए वो बाबा जो चेन की बजाय रुद्राक्ष माला पहनते थे? मोटी मोटी चेन, फैंसी हैट्स, हैट्स पे डायमंड, ये बाबा हैं। मैंने भी देखे हैं बाबा, देखे परमहंस, मरो तो पास में कफन का पैसा ना निकले, ये होते थे संत। वो बाबा जिस लैट्रिन में जाते थे, अगर आज के इन बाबाओं को उस लैट्रिन में भेज दिया जाए तो इनकी टट्टी नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि इनको एसी वाली लैट्रिन चाहिए, फ्लश चाहिए, बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाने को चाहिए। वो उन बाबाओं को खिचड़ी से काम चलता था, वो संत थे बाबा नहीं थे, उनको खिचड़ी से काम चलता था, इनको मालपुए से काम चलता है। और मालपुआ किसका? आपके माल का मालपुआ, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और शोबाजी देखिए, बाबा आएंगे तो रथ पे आएंगे, बाबा के पीछे ट्यूबलाइट फोकस मार रही होगी, पहले ज्ञान का उजियाला सिर के तरफ, सिर पे के चारों तरफ हेलो बन करके रहता था, अब फोकस का उजियाला। हाथ दिखाएंगे तो हाथ के अंदर से रे निकलती हुई दिखाई देगी। ये क्या मजाक लगा रखा है लोगों ने, और आप अपना मजाक बना रहे हैं। क्यों क्यों जाते हैं ऐसे लोगों के पास? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि पूरी ह्यूमैनिटी संताप में है। संताप हमारे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, और इस संताप को हारने के लिए ये कथावाचक इसलिए बाबा बन गए, इसलिए इन्होंने बाबाओं का चोला पहन लिया, और इसलिए इनके यहाँ भीड़ लगने लगी, क्योंकि हीलर्स ने काम करना बंद कर दिया। और ये हीलर्स कहाँ चले गए? हीलर्स बन गए डॉक्टर्स, और डॉक्टर भी कैसे? स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी वाले, पेट का इलाज करेंगे, सिर का इलाज करेंगे, दिल का इलाज करेंगे, इंसान का इलाज कौन करेगा? वो लोग कहाँ गए जिनके पास हम लोग बचपन में जाते थे, जिनको हम ये तो बताते ही थे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम ये भी बताते थे कि हमारे स्कूल में आज क्या हुआ। उन लोगों से हम अपनी मन की बात कहते थे। वो फैमिली डॉक्टर्स कहाँ गए? वो हीलर्स कहाँ गए? क्या आज हम लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है? आपको लगता है उनकी ज़रूरत? और अगर लगता है तो आप हमारे इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करिए। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट पे मैं जवाब दूंगा, और जब हम दोनों की बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी। एक और बाबा तैयार नहीं हो रहा है, एक साथी तैयार हो रहा है, एक दोस्त तैयार हो रहा है आपके साथ चलने के लिए, जब तक कि आप अपनी राह खुद ना पकड़ लें। हम सबको अपनी राह खुद ही पकड़नी है। फिर मिलते हैं दोस्त, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए।